हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बनाते हैं मैश पटेटो ब्रेड, बहुत ही टेस्टी एंड इजी। तो लेट्स स्टार्ट एंड एम्पावर योरसेल्फ। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बॉयल पटेटो ले लिया, उसमें मिल्क मिला के हम इसकी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। स्मूथ पेस्ट बनाने के बाद इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। तो ये देखो एकदम स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, सॉल्ट, पेपर, ऑयल एंड मैदा। ये सारी चीज़ डाल के हम इसे अच्छे से एकदम नीट कर लेंगे, बहुत ही स्मूथ एक डो बना लेंगे। डो बनाने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो देखो यहाँ पर हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के इसे अच्छे से नीट कर लेंगे और हाथ में थोड़ा थोड़ा से या थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के हम इसे एकदम टाइट लेकिन थोड़ा सॉफ्ट ऐसे छानेंगे और इतने अच्छे से हम इसे नीट करेंगे। देखो मतलब सरफेस में एकदम ऑयल आ जाएगा, इतना अच्छा नीट करेंगे। तो ये थोड़ी देर के लिए हमने ढक के रख दिया था। अब इक्वल साइजेस बॉल बना के उसे हम फ्लैट करके उसके बाद इसे हम कैसे इसे सेकेंगे वो आप देख लो। तो यहाँ पर देखो मैंने एक बॉल ले लिया है, फ्लैट कर लिया है। अब इसे हम रोल कर लेंगे। जिसके उसमें तेल लगा लिया था हमने थोड़ा, तो इसमें हम कोई भी फ्लोर डस्ट नहीं करेंगे। तेल ऐसे लगा हुआ है तो ऐसे ये चिपकेगा नहीं, आप रोल कर लेना। अब देखो इसे हम सेकने के लिए पैन में डाल दिए हैं और थोड़ा हम इसे ढक के रखेंगे। ढक के थोड़ा कलर आ जाने पर उसे टर्न करेंगे, फिर घुमा घुमा के इसे कपड़े से या फिर कोई भी आप प्रेशर से प्रेस करके, ऐसे जो वुडन प्रेस होता है उससे भी आप कर सकते हो। तो ये एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और फूल भी जाएगा। और थोड़ा इसको थिक रख के बेलना, जैसे कि नान होता है ना वैसे, एकदम सॉफ्ट होता है एकदम, मतलब क्योंकि इसमें पटेटो एंड मिल्क डाला हुआ और एक स्वीट स्वीट सा टेस्ट है, बहुत ही अच्छा। और इसके साथ आप, मैं तो इसे मंचूरियन के साथ सर्व किया है, आप ड्राई चिकन कुछ भी आप सर्व कर सकते हो। तो आप खाओ, खिलाओ, कोशिश करो और मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। तो खुश रहो और देखिए कितनी टेस्टी और इतना अच्छा बन के रेडी है। देखिए, थैंक यू। जहाँ तुम जा रही हो मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा बात मत करो।